चेहरे की यदि आप इस तरह से सफाई करते हैं तो फिर आपके चेहरे पर कभी भी सांवलापन नहीं आएगा, आपकी फेस की त्वचा कभी ढीली नहीं होगी और आपके चेहरे पर कभी दाग धब्बे नहीं आएंगे। और यह नुस्खा इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपको पहले दिन से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बना देगा। पहले की महिलाओं में और अभी की महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि पहले की महिलाएं 50-55 साल के बाद भी ऐसे दिखा करती थीं जैसे कि अभी 30-35 साल की हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर दिखा करती थीं, उनकी फेस की स्किन इतनी चमकदार रहती थी और उनकी फेस की स्किन इतनी टाइट रहती थी, कोई भी इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये 50-55 की हो चुकी हैं या फिर अभी 30 साल की हैं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो उस टाइम पे अपने चेहरे पर इतनी लेपापोती नहीं करती थी, इतनी क्रीमें वगैरह अपने चेहरे पर नहीं लगाती थी जितनी कि अभी की महिलाएँ अपने चेहरे को सजाती जाती हैं। तो आपसे मैं बार बार यही इसलिए कहता हूं कि आप जितना केमिकल से अपने चेहरे को बचाएंगे उतना ही आपका चेहरा सुंदर चमकदार दिखेगा। उनकी खूबसूरती का जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कभी कभी 10-12 दिन में नींबू और शहद को मिला के अपने चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए। इसके लगाने से क्या होता है, यदि आप 10-12 दिन में इसे अपने चेहरे पर लगा के चेहरे को धोते हैं तो आप विश्वास करिए, आप एक बार ऐसा करके देख लीजिए, आपके चेहरे के जो रोम छिद्र हैं उस पर बहुत तरह की गंदगी समा जाती है, तो वह पूरी गंदगी यह नुस्खा साफ कर देता है। इसलिए सप्ताह में एक बार या फिर 10-12 दिन में आपको नींबू और शहद से अपने चेहरे को ज़रूर ही साफ करना चाहिए। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ उपटन, वो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त उपटन है, आप इसको आज ही लगा के देख लें और अभी हाल आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मसूर दाल, मसूर दाल का आटा बना के आप अपने किचन में हमेशा रखें, आप इसका उपयोग अपने चेहरे पर लगाने में करें। आपको मसूर दाल एक दो चम्मच जरूर लेनी है और उसमें उतनी ही मात्रा में दूध मिला देना है। दूध और मसूर दाल को मिलाने के बाद अच्छे से एक उपटन बना लेना और चेहरे को पहले आपको सादा पानी से ज़रूर धोना है, जैसे कि वो किया करती थी, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। चेहरे को पानी से पहले धो लें, फिर इस उपटन को आपको अपने चेहरे पर ज़रूर लगाना है और इतनी देर तक लगाए रखना है कि यह उपटन आपके चेहरे पर अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। लेकिन सूखने के तुरंत बाद ही आपको अपना चेहरा नहीं धोना है, चेहरे को सबसे पहले थोड़ा सा आपको पानी से गीला करना है और जब यह उपटन आपका पूरे तरीके से गीला हो जाए फिर उसके बाद आपको अपने हाथ से ऊपर नीचे स्क्रब करते हुए फिर आपको इसको साफ कर लेना है, फिर उसके बाद ही आपको पानी से धोना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपका चेहरा तुरंत ही चमकने लगेगा। इसे भी आप 10-12 दिन में 2 बार कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता ही रहता हूँ। और लाइक नहीं करते यार, सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि आप वीडियो पर लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी लाइक नहीं आते, तो मेरी रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सबसे अच्छी चीज़ है केसर, यदि आप केसर का कलर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो यकीनन कितनी भी सांवली स्किन वाला लड़का या लड़की हो उसका कलर साफ अपने आप होने लगेगा। केसर का कलर आप किसी मिल्क में भी निकाल सकते हैं या फिर पानी में भी केसर का कलर निकाल सकते हैं। मिल्क में 1 चम्मच मिल्क लीजिए और उसमें केवल 1 पंखड़ी या फिर 2 पंखड़ी डाल देना और 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर पूरी तरीके से उस मिल्क में घुल गया है, या फिर आप वाटर में भी उसका कलर निकाल सकते हैं। फिर उस कलर को आप कॉटन से अपने चेहरे पर लगाए रखें कम से कम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और मैं तो ये कहता हूँ 1-2 घंटे भी अपने चेहरे पर लगाए रखें, यह फ़ायदा ही आपको देगा, आपका चेहरा निखरने लगेगा। आप इसे डेली भी लगा सकते हैं और 1 दिन या 2 दिन बीच में गैप भी हो जाए तब भी चलेगा, आप इसको लगा सकते हैं। इसके लगाने से आपके चेहरे का कलर अपने आप साफ होने लगेगा। बहुत से सांवले स्किन वाले लड़का लड़कियाँ केसर वाला दूध पीते हैं, केसर वाला पानी भी पीते हैं, क्योंकि केसर वाला दूध या पानी पीने से अंदर से निखार आएगा और जो आप ऊपर से अपने चेहरे पर इस कलर को लगाएंगे तो फिर आपका चेहरा 100% सांवला से गोरा दिखने लगता है, होने लगता है। तो कमेंट में बताना तीनों की तीनों रेमेडी आपको कैसी लगी, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।